कर्नल जनरल गिलगित बाल्टिस्तान में इमरान खान का जल्लाद जनरल बाजवा जुल्मों सितम की इंतहा कर रहा है और ये तस्वीरें हैं पाकिस्तान में विरोध की। यार है, हजार है, हजार है। फौजी का जो यार है, हजार है, हजार है। हुकूमत का जो यार है, हजार है, हजार है। ये कर्नल जनरल दहशतगर्द, ये कर्नल जनरल दहशतगर्द, ये कर्नल जनरल दहशतगर्द, ये बाजवा माजवा दहशतगर्द, बाजवा माजवा दहशतगर्द। बाजवा चुनाव में धांधली कराता है, वोट चोरी कराता है, जिसके खिलाफ सड़क पर संग्राम करते हैं लोग। वहाँ की जनता किस तरह से सड़कों पर है आज इन तस्वीरों में देखिए। लेकिन बाजवा की जुल्म और सितम की इंतहा यहीं नहीं रुकी, उसने जनता पर गोली चलवा दी जिसमें काफी लोग घायल हो गए। पुलिस ने वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बाजवा ब्रिगेड के इस अत्याचार में कई लोगों को गंभीर चोट आई है। वहीं इमरान और बाजवा की जुल्मों सितम से भड़के बिलावल भुट्टो ने ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कई जगहों पर प्रदर्शन करेगी और बाजवा की जुल्मों सितम के खिलाफ संघर्ष का रास्ता तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक इमरान की सत्ता का पतन नहीं हो जाता। क्या आप क्या एक दो महीने तक वजीर बनना चाहते हो, अपने अवाम के किस्मत बेचने चाहते हो, हुकूमत बेचना चाहते हो, या आप दो तीन महीने इंतजार करें। इसी डर में इमरान खान ने ये तक ऐलान कर दिया कि अगर विरोधी ऐसा करने से नहीं माने तो वो पूरे पाकिस्तान को लॉकडाउन कर देंगे। लेकिन ये सारी साजिश तो पीएको को पाकिस्तान में मिलाने के लिए रची जा रही है। लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान के लोग खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते। ये ऐतिहासिक तथ्य भी है कि गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, लिहाजा वहाँ के लोग कहते हैं कि उन पर पाकिस्तान के कानून लागू नहीं होते। लेकिन इमरान सरकार कोशिश कर रही है कि गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का पांचवा राज्य बनाया जाए। जनता में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है जिसकी तस्वीरें जमकर वायरल भी हो रही हैं। आपको बता दें कि वोट चोरी के आरोप इमरान खान पर पहले भी लगते रहे हैं। आम चुनाव में धांधली के आरोप पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पीएमएल की नेता मरियम नवाज भी लगा चुकी हैं। लंदन में रह रहे नवाज शरीफ ने आरोप लगाया था कि सेना ने चुनाव में धांधली कराकर इमरान खान को सत्ता दिलाई। इमरान की सरकार के खिलाफ इन दिनों पाकिस्तान में 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन पीडीएम लगातार हल्ला बोल रहा है। पीडीए के कन्वीनर फजलुर रहमान का दावा है कि जब तक इमरान खान को सत्ता से नहीं उखाड़ फेंकेंगे तब तक प्रदर्शन नहीं रुकेगा। बिलावल भुट्टो ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि इमरान खान बस जनवरी तक के मेहमान हैं। यानी कि इमरान का जल्लाद जनरल बाजवा जितने जुल्म करेगा वहाँ की जनता उसका उतना ही विरोध करेंगी और उनके विरोध प्रदर्शन यही नहीं रुकेंगे, ये ऐसे ही चलते रहेंगे। और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।